नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है हम देखेंगे। और मुख्य सोर्स जो है वो मैंने लिया है क्रोनोलॉजी को, जुलाई 2020। तो यहाँ तस्वीर मैप आदि माध्यम से आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए और मेमोरी को स्थायी बनाने के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज की है। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत, यूनाइटेड नेशन जो यूएनओ है उसमें एक है सुरक्षा परिषद, उसका एक अंग है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं जो कि उसकी स्थापना से अनंत काल तक स्थायी रहेंगे। उसमें एक तो अमेरिका है, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। इनको वीटो पावर भी है। चीन जो है वो पहले वो ताइवान के रूप में था और चीनी गणतंत्र 1971 में इसका सदस्य बना था। 10 अस्थायी सदस्य इसके होते हैं जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं रोटेशन से, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से यूरोप। तो ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनमें भारत भी चुना गया है। यूएनओ का जो मुख्यालय है वहीं सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। इसमें जो 5 नए सदस्य आए हैं वो 17 जून को चुने गए हैं, 17 जून 2020। इसमें ये जो 5ों के नाम आप याद रखें, भारत तो है ही है, आयरलैंड, मेक्सिको, नार्वे और केन्या। केन्या अफ्रीकी देश है, नार्वे आप जानते हैं स्वीडन, नार्वे मध्य रात्रि में सूर्य का देश, वो नार्वे यूरोप की कंट्री, मेक्सिको अमेरिका का पड़ोसी है, आयरलैंड, आयरलैंड जो है ये यूरोप के अंदर ही है, आगे इसका मैप भी आपको दिखाएंगे। तो ट्रिक आप यहाँ मेना, ठीक है, जैसे मे ना मेना भारत आई या मेना, इस तरह से आपको ट्रिक इसकी बना सकते हैं, मेना के भारत आए। यूएनओ में कुल सदस्य 193 है, ठीक है, तो भारत सहित 193 सदस्य, ये संख्या भी आप याद रखें। तो इसमें वोटिंग हुई और वोटिंग के तहत जो है भारत चुना गया। तो भारत अब तक, ये यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, अब तक कितनी बार, तो 8वीं बार, देखो 8वीं बार याद रखें, 2 शून्य आप मिला दो 8, तो भारत 8वीं बार 1950 में, उसके बाद में 67, 77, 84, 91, 2011 लास्ट बार कब था, 2011, और अब 2021 आठवीं बार बना है। कार्यकाल 1 जनवरी से शुरू होगा है नए साल से 2021 से, और 31 दिसंबर 2022, तो इस तरह से वापस 1 जनवरी को यानी 2 साल उसके हो जाएंगे। और यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, TS तिरुमूर्ति, यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है TS तिरुमूर्ति, अपॉइंटेड यूनाइटेड नेशन में जो है परमानेंट, जो ना परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यह है TS तिरुमूर्ति और ये यूएनओ का लोगो है। वैश्विक शांति सूचकांक ऑस्ट्रेलिया के संस्थान के द्वारा GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 जारी की गई है, जिसके अनुसार 1 नंबर पे है आइसलैंड। अभी नाम आया था आइसलैंड का, आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे ये आयरलैंड था, माफी चाहूँगा, ये आइसलैंड है, आयरलैंड और आइसलैंड। आयरलैंड जो है वो ब्रिटेन के पास में है, जैसे आप यहाँ इस मैप में देख सकते हैं, ये मैप, ये ब्रिटेन है, इसके पास में आयरलैंड है, जबकि ये आइसलैंड है, ये थोड़ा फ़र्क है इसमें, और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ठीक पास है। तो 1 नंबर पे जो है आइसलैंड रहा और 2 नंबर पे न्यूजीलैंड जो है वैश्विक शांति में। भारत का स्थान 139वां है और कुल 163 देश इसमें शामिल किए गए। इनकी जो सूची बनाई, जो इन्होंने मापक रखे उसके आधार पर, उसमें सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, पर्यावरण के मामले में जो है वो कैसी परफॉर्मेंस है वो। तो विश्व आर्थिक मंच के साथ येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जो है ये जारी किया गया है। तो इसमें 1 नंबर पे रहा है डेनमार्क, जिसका स्कोर रहा 82.5, यानी पर्यावरण के निष्पादन के मामले में 1 नंबर पे डेनमार्क है, जबकि शांति के मामले में आइसलैंड है। भारत का स्थान है पर्यावरण के मामले में 168वां, पर्यावरण निष्पादन में कुल 180 देशों की सूची बनाई गई, जिसमें 180वां यानी लास्ट है लाइबेरिया का। तो यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं मैप में, डेनमार्क कहाँ पड़ता है दोस्तों, जर्मनी, यूरोप में आपको जर्मनी, फ्रांस याद होगा, तो जर्मनी के
ठीक ऊपर जो है ये डेनमार्क है, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। यहाँ पर जलवायु सम्मेलन भी हुआ था। और ये स्वीडन, ये इसके पास में नार्वे, और इनको संयुक्त रूप से स्वीडन, नार्वे, फिनलैंड, इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। यहाँ आप यूरोप में पुनः देख सकते हैं, जैसे ये स्वीडन स्वीडन है, नार्वे है, ये नार्वे स्वीडन, और ये यहाँ तक फैले हुए हैं, और ये ब्रिटेन, ये यहाँ जर्मन, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है। तो यहाँ पर ये है देश, यहाँ डेनमार्क और ये आइसलैंड। और दोस्तों आपको इन्फॉर्म कर दूं मैं कि आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे क्लासेस तैयारी के लिए, और मैं भी वहाँ आपको मुकेश जाट नाम से मिलूँगा, और आप प्लस कोर्स के लिए मेरे रेफरल कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट की भी प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बैच चल रहा है पटवारी का, जिसमें आपको टीम टीचिंग मिलेगी, बैच कोर्सेज हैं, मैराथन क्लासेज है, 22 तारीख से जो है ये शुरू हो चुका है, और अलग अलग टीचर जो है अलग अलग समय इसमें क्लासेज लेंगे। जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है अनएकेडमी की, वो सब इसमें रहेगी, और पूरा कोर्स जो है वो आपको करवाया जाएगा। आपको पता ही होगा पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी 2021 में है, तो आपके पास में पर्याप्त समय है, और मैं इसमें आपके लिए जो है करंट अफेयर है और राजस्थान जियोग्राफी इसके लिए मैं पढ़ाऊँगा। तो ये करंट अफेयर जो है पूरे 2020 का, वो मेरी इसमें रहेगी क्लासेज। भारत और डेनमार्क के मध्य बिजली के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है, तो पूछा जा सकता है किस यूरोपीय देश के साथ में, तो डेनमार्क के साथ में। तो यहाँ ये पुनः डेनमार्क का जो मैप आप दिमाग में रखें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बनी थी ये, तो इसका नाम है मित्ते, यहाँ आप देख सकते हैं, जस्ट ए मिनट। तो ये आप तस्वीर में देख सकते हैं दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क की, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसमें मिट्टे फ्रेडरिकसेन, फ्रेडरिकसेन ये डेनमार्क की अब तक की सबसे जो है युवा प्राइम मिनिस्टर है और महिला है। और अमेरिका ने WHO से किया संबंध विच्छेद। अमेरिका ने दोस्तों, अभी आपने देखा कोविड की वजह से उसने, अमेरिका ने आरोप लगाया कि WHO ने सही आंकड़े जारी नहीं किए कोरोना के, और समय पे नहीं बताया, इसलिए तो 29 मई को अमेरिका ने इसे संबंध विच्छेद कर लिया है, और 45 करोड़ डॉलर की जो धनराशि ये देता था वो इसने रोक दी है। WHO की हम बात करें तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुख्यालय है जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। स्थापना इसकी हुई थी 7 अप्रैल 1948, और WHO भी एक एजेंसी है यूनो की। इसके महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम, जो कि 2017 में इसके बने और इथोपिया के हैं, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है टेड्रोस अधानोम। और उपनिदेशक इसमें दो होते हैं, जिसमें एक भारत की महिला भी है, इसलिए आपको इसका नाम जो है थोड़ा जानना जरूरी है, सौम्या स्वामीनाथन, और ये डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर है मित्ते। नेक्स्ट, POK में पनबिजली, POK अभी हम आगे मैप में देखेंगे, पाक ऑप्टिमाइज्ड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर, उसमें पनबिजली यानी हाइड्रो पावर, यानी कि नदी से, जल से जो है बिजली बनाई जाती है, बांध वगैरह बनाकर। तो यहाँ पर चाइना जो है निवेश कर रहा है 1124 मेगावाट की कोहाला परियोजना, ध्यान में रखें कोहाला परियोजना चीन स्थापित करेगा, नदी कौन सी है, झेलम नदी पर। तो यह आप यहाँ देख सकते हैं, ये झेलम नदी है और ये कोहाला प्रोजेक्ट जो है उसका रोड मैप है इसका। और गिलगित बाल्टिस्तान, ये भी गिलगित और बाल्टिस्तान जो है ये भी POK में है, इसमें सिंधु नदी पर डाइमर भाषा बांध, ये बांध का नाम है दोस्तों, पूछा जा सकता है प्रश्न कहाँ, तो POK में डाइमर भाषा बांध 5 अरब डॉलर के खर्च से चीन बना रहा है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध बनने जा रहा है। तो भारत ने दोनों परियोजनाओं का विरोध किया है, तो ये डाइमर बांध और ये कोहाला परियोजना। अब आपको दिखाते हैं मैप में, ये आप ग्रीन कलर से जो देख रहे हैं ये है POK,
यानी भारत के कश्मीर का इतना हिस्सा जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है एलओसी, और ये जो है इसके इधर का हिस्सा जो है वैसे एक्चुअल में है तो ये भारत का, मगर पाकिस्तान ने इस पर अधिकार कर रखा है। तो यहीं पर जो है ये पीओके है और ये है टेरिटरी। ये जो पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दिया था, ये इतना क्षेत्र गिफ्ट दे दिया था, और ये चाइना ने जो है जो 1962 का युद्ध हुआ था उस समय इतना इस पर, इसको अक्साई चीन बोलते हैं, हड़प लिया था। इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है एलएसी। तो अभी जो विवाद चल रहा है वो भी इसी लाइन के आसपास का मैटर चल रहा है, उसको हम आगे कोई टॉपिक में देखेंगे। यहाँ आप पुनः हम इसी पीओके की बात करें तो इसमें दो क्षेत्र, एक तो है गिलगित और एक है बाल्टिस्तान। तो ये आपके ध्यान में रहे, ये गिलगित है और ये इस साइड वाला बाल्टिस्तान है। आम्बर नया नदी में तेल रिसाव, ये रूस में एक नदी है दोस्तों, आम्बर नया साइबेरिया में, साइबेरिया ने एकदम उत्तरी जो ध्रुव है वहाँ वहाँ पर दुर्घटनावश जो है जहाज से डीजल का रिसाव हो गया। तो करीब 21,000 टन बहुत ज़्यादा मात्रा में जो डीजल का रिसाव हो गया, जिससे नदी में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ गई। तो साइबेरिया में रूस ने आपातकाल घोषित कर दिया, और उससे जो नुकसान हुआ है पर्यावरण को, और वो जो तेल का रिसाव है वो उत्तरी महासागर जो है आर्कटिक महासागर तक पहुंच रहा है, तो अब उससे जो उसके नुकसान को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत और भूटान, जैसे डेनमार्क के साथ किया वैसे भूटान के साथ में, पर्यावरण के क्षेत्र में, डेनमार्क के साथ में तो था बिजली के क्षेत्र में, यहाँ है पर्यावरण के क्षेत्र में, भारत और भूटान में पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता जो है वो हुआ है। ध्यान में रखें, पूछा जा सकता है किस पड़ोसी देश के साथ में, तो भूटान। सीपरी ईयरबुक, सीपरी क्या है? सीपरी जैसे स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, ये स्टॉकहोम का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत, पर्यटन की दृष्टि से दिल खुश हो जाता है दृश्य देख कर ही। तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सीपरी इसका पूरा नाम है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये एक संस्था है जिसके अनुसार सूची जारी की गई है, विश्व में 9 देश जो है उनके पास परमाणु हथियार है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये तो वो स्थायी सदस्य भी हो गए वो वाली यूनियन वाले सुरक्षा परिषद के, फिर भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और इजराइल। तो इसमें सबसे ज़्यादा हथियार रूस के पास में है परमाणु हथियार 6,375, अमेरिका के पास में 5,800, भारत का इस हिसाब से छठा स्थान पड़ता है 1974 के साथ। और ये नेपाल के राष्ट्रपति ने विवादित नक्शे को मंजूरी दे दी है। तो ये नेपाल के पीएम है और ये नेपाल की राष्ट्रपति है। नेपाल के पीएम है केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली, और ये है विद्या देवी भंडारी, ये वहाँ की प्रथम महिला राष्ट्रपति है और दूसरी बार निर्वाचित वहाँ पे हो गई है, यानी दूसरे कार्यकाल को भी ये चला रही है। तो वो मैटर क्या था दोस्तों, ये मैटर इस तरह से था कि पहले आप इस मैप को देखिए, यहाँ नेपाल आप मैप में देखते हैं और ये अपने उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड और नेपाल का ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम यहाँ जूम किया गया आपके लिए, और इसमें आप देखिए जैसे इधर इंडिया और इधर नेपाल, और ये जो है यहाँ जो क्षेत्र है उत्तराखंड का, इसमें एक तीन क्षेत्र, एक तो है काला पानी और एक है लिम्पिया धुरा और एक है लिपुलेख दर्रा। तो ये जो तीनों क्षेत्र है, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा डिस्पुट, तो डिस्पुट तो नेपाल ने बना दिया है, नेपाल कह रहा है कि ये तीनों उसके क्षेत्र में, और नेपाल ने ये हिस्सा अपने नया जो मैप तैयार किया है उसमें नेपाल ने अपने में दिखा दिया है, और ये करके जो है उसने भारत की नाराजगी जानबूझकर मोल ले ली है। दोस्तों आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि मेरे बाकी वीडियो आपको देखने हैं तो आप YouTube खोलें और YouTube में आप मेरा नाम सर्च कर लिया करें, ताकि आपको मेरे चैनल सीधा मिल जाएगा। चैनल पे क्लिक करें, सब्सक्राइब कर रखा होगा आपने, यहाँ क्लिक करें और फिर आपको मेरे वीडियोज़ ये पेज खुलेगा, यहाँ क्लिक करते ही फिर वीडियो से आप लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से आप अलग अलग जो प्लेलिस्ट है जिनमें अलग अलग कोर्सेज हैं वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।